हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज किसी की हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में आई नई वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसके लिए रिसेंटली फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्टों की संख्या 3115 देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आवेदन 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपको 26 अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कितनी सैलरी है, एज लिमिट क्या है, कैसे आप इसमें जॉब ले सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे वैकेंसी संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल मेंशन किया गया है, जो कि आप खुद से रीड कर सकते हैं। कहाँ से आपको नोटिस डाउनलोड करना होगा, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। साथ ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताता हूँ, क्योंकि ये नोटिस है बहुत ही लंबा है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इस नोटिस को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ऊपर में ये वेबसाइट देखने को मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट में आपको सेकेंड नंबर में देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न रेलवेज अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, जो कि इस वैकेंसी के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो फॉर्म है ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। जॉब लोकेशन आपका कोलकाता है। इसमें टोटल सीटों के बारे में बात करें तो देखिए टोटल सीट आपको 3115 है। इसका आवेदन 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपको 26 अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। हम लोग बात करें कि आखिरकार इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, तो देखिए जो आपका उम्र होना चाहिए वो कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपको यहाँ पे 24 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ओबीसी को 3 वर्ष का छूट, एसएसटी को 5 वर्ष का छूट भी देखने को मिल जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया आपको अप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना होगा, एसएसटी के लिए कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डिवीज़न वाइज आपको सीट बांटा गया है, जैसे कि हावड़ा डिवीज़न में टोटल कितनी सीट है, आपको सियालदह डिवीज़न में कितनी सीट है, तो यहाँ से आप डिवीजन बाई सीट को देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कौन कौन से कैंड आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिंपली आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, साथ में आपके पास आईटीआई का डिग्री भी होना जरूरी है, यानी कि आपको 10th पास होना है। इसके अलावा कोई भी आपका आईटीआई ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद सिंपली आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जो आपका मैट्रिक और आईटीआई का नंबर रहेगा उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल जो है आपका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आवेदन कैसे करना होगा देखिए उसका पूरा प्रक्रिया मेंशन किया गया है, आप कहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, तो नीचे यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आगे दिए गए लिंक यानी कि क्लिक है पर सिंपली आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो भाई आपको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये थी इस वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। देखिए इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है, लेकिन अगर आप इस साइट के माध्यम से जो कि है dailyjobdekho.com यहाँ से बहुत ही आसान भाषा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बताकर आपको यहाँ पे साइट के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। साथ ही अगर आप इसको खुद से भी रीड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट करके आसानी से इस वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।